इसका आदमी का बंजारापन और जिंदगी का ये जो सफर है उसके ऊपर है। बहुत मासूम है बच्चा, बड़े मेले वहां होंगे। बहुत मासूम है बच्चा, बड़े मेले वहां होंगे। जो तुमने छोड़ दी उंगली तो फिर जाने कहां होंगे। जो तुमने छोड़ दी उंगली तो फिर जाने कहां होंगे। जहां तक जंग जारी है सफर है जिंदगानी का। जहां तक जंग जारी है सफर है जिंदगानी का। न जाने तुम कहां होगे, न जाने हम कहां होंगे। गांव के बहुत सारे गीत लिखे, योगेंद्र को एक गीत बड़ा प्यारा लगता है और हम लोग सब लोग गांव से आए हैं, बाबूजी भी गांव से आए हैं, तो गांव की चीजें जो चीजें पीछे छूट गई हैं वो सुधियों में इतनी सुंदर शहर की तरह रहती हैं। बहुत याद आता है गांव और वो विभिन्न तरीके से याद आता है। बाबूजी इस एक गीत एक है, पक्की सड़क अचानक कच्ची होकर बोली गाँव आ गया। इस गीत के पीछे भूमिका बड़ी जबरदस्त है। हुआ यह कि बार मैं दिल्ली से बाबूजी लखनऊ आ रहा था, तो ये मई जून का महीना था, लू बहुत तेज चल रही थी। तो मेरा गांव बीच में पड़ता है बालामऊ के पास, बरवा गांव है। तो उस गांव शहर मतलब गांव देखने के लिए मैं बाहर निकल आया। तो दोपहर में 12 बजे तेज झोंके लग रहे थे, मैं लू के दरवाजा मैंने खोला तो एसी डिब्बे के अंदर से निकल के आओ और भी तेज लपट जैसी लग रही थी। तो एक महिला पीछे से यात्री, वो भी देखा कि मैं दरवाजा खोल के और झांक रहा हूँ, कुछ मेरा गांव आने वाला था। वो बड़ी तेज ट्रेन जा रही थी खटक खटक करते हुए, तो वो मेरा पीछे से ये शर्ट पकड़े थी। वो सोची मैं कूदने जा रहा हूँ, तो मैं तो अपने गांव को देख रहा था और वो गांव दिख जाए, घर दिख जाए, लोग दिख जाए। तो वो खटक 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 ऐसे मुझे लगता है 2-3-4 सेकंड में गांव निकल गया। मैं देखा वो पीछे माता जी पकड़ी थी, तो मैंने कहा नहीं, मैं कूदने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो मैं बस, मेरा गांव था तो मैं उसको देख, अरे इतनी लू में आप निकल के बाहर खड़े हैं। तो मैं सोचता रहा हाँ है तो पागलपन, और वहीं से इस गीत ने जन्म लिया। मैं सोच रहा था क्या चीज़ है जो खींचती है, पकड़ती